हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज के ब्लॉग में हम आए हैं बनी गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। यहां पर जो ब्यूटी पार्लर के बच्चों को किट बांटी जा रही है, सरकारी किट सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों को बांटी जा रही है, और हम प्रिंसिपल से भी मिलते हैं। यहां पर गाँव के मेन मुख्य स्थिति है, सरपंच साहब सारण सिंह हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुख्य आए हैं, उनसे मिलते हैं। अभी फ्रेंड्स हम स्कूल के अंदर जा रहे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा कितना खूबसूरत स्कूल है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले जितने भी यहाँ पर बच्चों के माँ बाप और जितने भी अध्यापकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबका यहाँ पर एकत्रित होने पे धन्यवाद करता हूँ। और आप सबने मुझे यहाँ पे याद किया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षा आज के टाइम पे बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। आज आप इसको छोटे स्केल की एजुकेशन ना समझते हुए, ये ना समझते हुए कि आपका बच्चा कहीं इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में या किसी अच्छी जगह नहीं पढ़ सकता, तो आप उसको छोटे से एक लेवल से आज अपने स्कूल से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए क्या है ना कि आज के टाइम पे मैं जब एकेडमी में भी बच्चों को पढ़ाता था, तो मैं यही बात बोलता था कि जो बच्चा शिक्षा में ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, उसके लिए ये बहुत बड़ी शिक्षा है। ये शिक्षा छोटी मोटी शिक्षा नहीं है। आज मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया अपनी एकेडमी के अंदर, बहुत जगह मेरे को जाने का मौका भी मिला। मैंने हर जगह एक ही बात बोली है कि ये आज के टाइम की MBBS स्टडी है। देखिए क्या है कि हमें यही मालूम है कि जा तो इंजीनियर पैसा कमाता है या अच्छे अच्छे डॉक्टर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री है जो, ये इतना बड़ा रूप ले चुकी है। विदेशों में तो इसके आज से 20-25 साल से पहले स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन हमारे इंडिया में भी सरकार ने विशेष रूप से इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। मैं इसमें सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कौशल जिंदगी में सबसे बड़ा योगदान दिया है। और 2014 के बाद जिस तरह की शिक्षाओं में एक भारी भरकम हम देख सकते हैं कि उछाल आया, ये सिर्फ हमारी, देखिए बात क्या है, मैं ये बार बार बोलता हूँ जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिलता है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लाखों रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप इतना खर्चा नहीं उठा सकते। तो आज के टाइम पे मैं लड़का होके अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा हूँ, तो आप अपनी लड़कियों को पीछे मत छोड़िए। आज मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महीने का 50,000 से लेकर लाख रुपया भी कमा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की बदौलत है कि उन्होंने समय से पहले इस एजुकेशन को अपनाया। और बच्चे 8वीं पास 50,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि इस पढ़ाई के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1 लाख नहीं, 2-2 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। आज आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, आज आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये भी वैसे ही एक पढ़ाई है जैसे लोग बच्चों को डॉक्टरी के लिए भेजते हैं, जैसे लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा फौज में जाए, जैसे वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पुलिस में जाए, जैसे वो चाहते हैं कि एक बच्चा इंजीनियर बने। ये इंजीनियर के बराबर आज की पढ़ाई है। आज एक स्किन डर्माटोलॉजिस्ट एक बच्चे को बनाने में लाखों रुपया लग जाता है, लेकिन आज आप अपने आप को अच्छा महसूस कीजिए, क्योंकि बनी स्कूल के अंदर आपको सरकार की द्वारा अच्छे टीचर दिए गए हैं, अच्छी संस्था की तरफ आपको यहाँ पे सपोर्ट की जाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बस माँ बाप अपने बच्चों को आगे लेके आए, ताकि अध्यापकों के अंदर भी एक ऊर्जा दिखे, ताकि वो बच्चों को पढ़ाने में अपनी खुशी महसूस करें। एक बच्चा मजबूरी से घर से आता है, मजबूरी से नहीं, अपने बच्चों को खुशी से भेजें। और इस पढ़ाई को छोटा मोटा मत समझिए। मैं महीने के 2-2 लाख रुपए भी कमाए हैं मैंने इस इंडस्ट्री की बदौलत। मैंने जस्ट अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की और 2013 में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, और आज लगभग 10 साल से भी ज़्यादा का समय मुझे इसके अंदर हो चुका है। और मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जो भी बच्चा इस इंडस्ट्री में आया है, वो कभी बेरोजगार नहीं साबित हो पाया। एक भी बंदा नहीं है आज के टाइम पे जो ब्यूटी के अंदर हो और वो कहे कि मुझे महीने के पैसे नहीं आ रहे। आप महीने के छोड़ो, वो घंटों के पैसे कमा रहे हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, सिनेमा में लोग जा रहे हैं, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं सोची कि जो लोग सिनेमा में जाते हैं, जो सिनेमा बनता है, उसके पीछे काम कौन करते हैं? उसके पीछे काम करते हैं सारे ये सलून वाले,
जो उनको सजाते हैं, जो उनको निखारते हैं, ये एक एक घंटे का 5,000 रुपया लेते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इस स्कूल के अंदर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी स्किल इतनी अच्छी होगी, तो मैं एक बच्चे की कमिटमेंट लेता हूँ, उस बच्चे को आगे मैं लेके जाऊँगा और अपनी पूरी ताकत लगाऊँगा कि उसको आगे तक का रास्ता मैं दिखाऊँगा। एक ऐसा बच्चा जो यहाँ पर पढ़ेगा, यहाँ पर अच्छी शिक्षा लेगा, जैसा ही उनके अध्यापक उनको बता रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं, अगर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सच में आगे आए, तो मैं भी सपोर्ट करूँगा अपनी तरफ से। और आपको ये बता देता हूँ, आप बनी स्कूल में इस शिक्षा को छोटा मोटा मत समझिए। चंडीगढ़, गुड़गांव, दिल्ली जैसे शहरों में इसको पढ़ाने के 2-2 लाख रुपया लगता है, 2-2 लाख रुपया लगता है। आप इस चीज़ की कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि आपको बड़ी स्कूल में ऐसी सुविधा मिलेगी। देखिए, संत नगर में ऐसा नहीं है, दमदमा में ऐसा नहीं है, सिरसा के किसी स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा जो बनी स्कूल में हो रहा है। तो बनी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और जहाँ भी उनके अध्यापक हैं, जहाँ उनके माँ बाप हैं, उनको सपोर्ट के साथ इस शिक्षा को आगे लेके जाना चाहिए। और मेरी आप सबसे एक कमिटमेंट है, जब भी मुझे यहाँ पे बुलाया जाएगा मैं ज़रूर आऊँगा, जब भी बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं आप सबसे एक ही विशेष रूप से योगदान चाहता हूँ, इस शिक्षा को छोटा मोटा मत समझिए। और इस शिक्षा के विदेशों में लाखों रुपये कमा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, देखिए नहीं बना सकते आप डॉक्टर। 20-25 लाख रुपया चाहिए, और 25 लाख लगाने के बाद भी ये नहीं आपको पता कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये एक ऐसी शिक्षा है, एकमात्र ऐसी शिक्षा है जिसके दम पे आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि मेरा बच्चा बेरोजगार नहीं है। आज 10वीं पढ़े में काम कर रहा है, कोई छोटी मोटी कंट्री में चला गया, आज वहाँ पे लाखों रुपए कमा रहा है। आज उनको अपने माँ बाप का सहारा है, आज उनको अपने माँ बाप का सहारा, जो स्कूल को भी चला रहे हैं उनका भी धन्यवाद, और जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं उनका भी धन्यवाद। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि जो बच्चे, जो लड़के लड़कियाँ इस फील्ड में आगे आ रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं 2013 में 10 बार नेगेटिव हुआ, 10 बार मेरे अंदर विचार आया कि मैं इस पढ़ाई को छोड़ दूं, इसका आने वाले टाइम पे फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने आप को अंदर से देखा, जब मैंने ये देखा कि इसका यहाँ कुछ माहौल नहीं है, लेकिन मैं इसको माहौल को बनाऊंगा, और आज बच्चे कैनेडा गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे, आप ये सोचिए कि 50-50 एकड़ जिनकी ज़मीन है उनके बच्चे यहाँ पर मेरी इंस्टीट्यूट में पढ़ के गए हैं, तो क्या ये छोटी पढ़ाई हो सकती है? लोग ये पूछा करते थे कितना पढ़ा हुआ है, कोई रिश्ता वगैरह कोई करने जाते थे। लेकिन आज इस बेरोजगारी के आलम में एक ही बात पूछी जाती है, अभी काम के जाने हैं, थारो छोरो या छोरी काम के जाने हैं। क्योंकि आज को टाइम है सिर्फ काम की वैल्यू है, कौशल की वैल्यू है। तो मैं इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच सरपंच राम सिंह सारण जी आए हैं, उनका मैं कहूंगा कि तालियों से स्वागत करें, और वो आएँ और अपने विचार रखें। यहाँ पहुँचे हमारे गांव के मौजिज, हमारे स्कूल प्रबंधक, और जो अभी भाई साहब बोल रहे थे मोटिवेटर, उनका ग्राम पंचायत बणी की तरफ से स्वागत है। बात सीधी दो शब्दों में यह है कि काम कोई छोटा नहीं होता, लगन मेहनत हर काम में ज़रूरी है, काम लगन और मेहनत मांगता है। लगन और मेहनत हम किसी भी काम को देंगे तो वो नीचे अर्श से लेके फर्श तक, ऊपर तक, पता नहीं कहाँ तक भी पहुँचा सकता है। काम करो लगन से, करो मेहनत से करो। जैसा कि अभी संजय बोल रहा था कि एजुकेशन का लोग पहले पूछते थे, आजकल काम का पूछते हैं, ये सत्य है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन करके भी गलत रास्ते अपना चुके हैं, या कोई काम नहीं कर रहे, फ्री बैठे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन के नाम पे तो ठीक है, वो साइन करना जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने मुकाम ऐसा हासिल कर लिया है कि वो उनका हम आदर्श मानते हैं। तो स्कूल प्रबंधक का धन्यवाद कि आपने इस तरह से एक संस्था स्कूल में चला रखी है जो बच्चों को रोज़गार प्रदान करें।
लड़के और लड़कियों में हम कभी भेद नहीं करते, और ये बात अभी भी हमें स्टेज पे से बोलनी भी पड़े कि आप ये लड़कियों को भी सिखाओ, लड़कों भी सिखाओ, तो बड़ी अभी वो घिनता वाली बात है कि अब तो ज़रूरत ही नहीं है इन बातों को करने की। अब तो ये है कि ठीक है काम करो, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, कौन ये कोई नहीं पूछता। काम का कर्म की वैल्यू है। आप सब यहाँ पहुँचे, मुझे भी बुलाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। स्कूल प्रबंधक को और जो बच्चे यहाँ पे ये स्टडी कर रहे हैं, उनका जो भी किसी तरह का सहयोग की आवश्यकता होगी तो ग्राम पंचायत और गांव उनके साथ खड़ा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, क्योंकि हमें जब भी किसी भी फील्ड में आपकी ज़रूरत पड़ी है, आप इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन देते रहे हो और हमें रास्ता दिखाते रहे हो। इसके अलावा कोई साथी अपना विचार रखना चाहे तो स्वागत है। आरसी जी, या तो मुझे दे दीजिए या आप एक बच्चे को बोलिए, वो नाम बोलता जाएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जो ब्यूटी पार्लर की किट है, वो दिखा रहा हूँ अभी आपको। मैडम जी चलो जी सामने देखो जी, चलो जी आगे चलो। हाँ जी सामने देखो, हाँ जी रेडी है, चलो आगे।